पंजाब ललित कला एकेडमी की वर्कशॉप में आए हैं और एक पार्टिसिपेटिंग है, आर्टिस्ट हैं गोंड आर्टिस्ट हैं हाँ। मध्य प्रदेश से तो थोड़ा सा बताइए कहाँ से आते हैं और कौन सा ज़िला है और अपने बारे में थोड़ा बताइए मैं मेरा नाम राम सिंह गुरवेत् है मैं ग्राम पाटनगढ़ जिला डिंडौरी मध्य प्रदेश के रहने वाले हूँ और ये चित्र को लगभग मैं ये चित्र को लगभग मैं हमारी ये परम्परा ही है अभी ये चित्र जो है कागज़ के निवास में आ गए हैं लेकिन पहले ये भी चित्र के नाम से अभी भी भीति चित्र के नाम से जानते हैं लेकिन अभी ज़्यादा कुछ ये नहीं है तो गौण परम्परा का चित्र है तो गौण पेंटिंग के नाम से इसको जाने लगे नहीं ये भीति चित्र है दीवार में बनने वाली मिट्टी में बनने वाली ही चित्र है इस चित्र को मैं कागज में कागज़ और कैनवास में बनाने लगभग बनाते लगभग मैं उन्नीस से चालू किया हूँ और अभी तक ये चित्र मैं बनाई बनाई रहा हूँ और हमारी चित्र जो हैं गौण परंपरा के आदिवासियों का जो किस्सा कहानी है उस पर आधारित ज़्यादा होते हैं और प्रकृतिक तो होते हैं जंगल के रहने वाले हैं जंगल हमारे निवासी हैं तो पेड़ पक्षी जानवर भी हम ज़्यादा ये कहानी भी जो आते हैं तो जैसे कहानी में भी इन चीज़ों को दिखाना पड़ता है कि कहानी अगर पूरी पूर्ण रूप से चित्र में दर्शाते हैं तो कहाँ पेड़ है कहाँ पक्षी है कहाँ मनुष्य है जानवर है ये कैसा उनको विपत्ति होता है या कैसे उनसे जूझते हैं ये सारी चीज़ दिखा रहे हैं और आपने किससे सीखा था और कितने साल पहले और थोड़ा सा कैसे सीखा पहले दीवार पे सीखा दीवार पे पहले ये दरअसल में गोंड पेंटिंग जो है तो गुरु परंपरा नहीं है इसमें इसमें देख देख के ही सीखते हैं आजा दादा पुरखान से जो दीवारों में जो काम करते हैं तो उनसे देख के ही सीखते हैं ऐसा कोई इसका गुरु नहीं है जो घर में जाके उससे सीखे या उससे ये गुरु परंपरा लें यह गुरु परंपरा हमारे गौड़ प्रधानों में नहीं है तो क्या कहते के हैं आप आ, जब दीवार से ले के शीट पे और कैनवस पे आए तो कितना मुश्किल लगा या कितना अच्छा लगा और आपका आर्ट किस तरह से बदला आ, जब उस समय से और अब जब आप कैनवस पे भी पेंटिंग करते हैं सिर्फ शीट पे भी नहीं करते तो किस तरह की मुश्किलें आई या अच्छा लगा कि आपके डिटेल्ड भी हो गया होगा काम थोड़ा जी जी दीवार पे थोड़ा मोटा काम था मोटा था जी तो थोड़ा बताइए कि किस तरह के चेंजेस आए जब आप दीवार से कैनवस तक आए और किस तरह की कहानियों का रूपांतर भी बदला जब ये मीडियम चेंज हुआ अब इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ पर इसके बारे में जो गांव के बारे में मुझे पूछा गया था कई जगह देश विदेशों में भी इनके बारे में, में इंटरव्यू हो मेरा तो हमारे गांव का तीन नाम थे अच्छा प्रथम नाम थे हमारे गौड़ा आदिवासी जो था तो जिस जगह में जो अभी हम पाटनगढ़ करके गांव बसे हैं वो दरअसल में गांव नहीं थे जंगल थे जी जंगल थे वहाँ गाय बैल बांधने के उपयोग करते थे हमारे आज़ादादापुर का और हमारे गांव जो है जंगल से काफ़ी दूर कम से कम 20-25 किलोमीटर दूर है एक पलकी टोला करके गाँव वहाँ गाँव अच्छा. वहाँ रहते थे और वहाँ से जो है उनको गाय बैलों को बांधने के काम करते थे उसमें अच्छा। तो बैलों को बांधते बांधते और वहां भी एक आदमी ऐसे रहने लगे उनके देख रेख में तो उस जंगल को काटने लगे वो काटने लगे कुछ घर बनाने लगे कुछ खेती के काम करने लगे तो उसका नाम जो है पहले गायों को बांधते थे तो उसका दहान नाम था दहान हाँ। और वो दहान में रह के आदमी जब उस जंगल का काट के विस्तार करने लगा तो उसको पाटन काट पाट के पाटन कर दिया अच्छा ओके उसको और जब पाटन में आसपास के लोग जब आके बसने लगे जी। तो चारों तरफ से सभी जनजातियां आके जब बसने लगे तो उनके देवी देवताओं भी आके उनके साथ में बसना चालू कर दिया जी जी। तो बसना जब चालू हुआ तो वहाँ देवगढ़ देवों को जो एक जगह मिल गई जगह मिल गया तो वहाँ एक ठाकुर देव का स्थापना करना था देवताओं को तो एक ही रात में वहाँ बनना था स्थान अच्छा जी तो वो अधूरा बन पाए और फिर सुबह हो गए तो देवों के गढ़ी होने से उसका पाटनगढ़ कहलाया वो okay. तो पाटनगढ़ में पहले जो हम काम करते थे तो दीवालों में जो काम करते थे केवल मिट्टी ही कलर होते थे मिट्टी से ही काम करते थे और ज़्यादातर शादी विवाह हाँ में ही होते थे देवी देवताओं के पूजा पाठ में तो होते ही हैं लेकिन शादी विवाह हाँ में ज़्यादा चित्र बनते थे या दुल्ही दुल्हा के चित्र बन गया या फिर घोड़ा के चित्र बन गया या बरातियों का या बाजा के या जो भी जैसा है ऐसे चित्र बनते थे कोयला के ज्यादा उपयोग होते थे अच्छा कोयला अच्छा क्योंकि हमारे कच्चा कोयला कच्चा कोयला लकड़ी का हाँ जी इनमें तो ये चित्र जो है हमारे अब गुरु कहा जाए गु, गुरु ही मानते हैं हम स्वर्गीय श्री जनगढ़ सिंह श्याम को तो ये सन अठहत्तर में जय स्वामीनाथन ने आदिवासियों के कल्चर के बारे में उनके रीति रिवाज एवं देवी देवताओं के बारे में जब खोज करने निकले तो वो हमारे गांव तक पहुंचे तो हमारे गांव में जो है तो जनगढ़ सिंह श्याम जो है मिट्टी का हनुमान जी बनाए थे जी जी तो वो स्वामीनाथन को बहुत अच्छा पसंद आया वो चीज़ उसने कहा कि आ, तुम हमारे साथ चलोगे तो पहले तो जनगर सिंह श्याम ने मना कर दिया घर वाले भी मना कर दिया क्योंकि पहले गांव के लोग जो हैं तो बाहर कभी घूमे नहीं जाना भी नहीं फिर ऐसे ही समझौता होने के बाद उसको ले आया गया भारत भवन तो फर्स्ट प्रथम बार चित्र जो है जनगर सिंह श्याम ही भारत भवन में कागज पर बनाए थे वाटर कलर से और वहीं से जो है ये आज केनवास कागज़ में चित्र बनना चालू हो गए हैं जब चित्र बनना चालू हो गए हैं तो लोग बाग हमारे देवी देवताओं के बारे में पूछना चालू कर दिए ओके okay. और हमारे संस्कृतियों के बारे में पूछना चालू कर दिए तो जिसको आता है वो बताता है और जब बताता है तो पूछने वाले और पूछने लगते हैं इसको क्यों मानते हो इसका मानने की विधि विधान क्या है कैसे करते हो उसको और मानते हो तो इस ऐसे करके जो है ये चित्र जो है एक विस्तार रूप ले लिया है ठीक है अब छोटा से नहीं बन के, अब छोटा नहीं बड़ा बनने लगा है ठीक है और बड़ा बनने लगा है और बाहर भी जाने लगा है गांव से तो ये आपके गोंड आर्ट के लिए और आर्टिस्ट के लिए अच्छा हुआ है कि अच्छा। आपको लगता है कि कुछ चीज़ें इसमें गुम भी गई हैं जब हम इसको आधुनिक करते हैं या कंटेम्प्रेरी करते हैं तो कुछ चीज़ें कुछ लॉस्ट भी हो गई हैं कि कैसा है आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा है ऐसा कुछ हाँ अगर अच्छा तरीका से सोचेंगे तो हमारे काफ़ी कुछ संस्कृति जो है बदल हैं बदल गए हैं बदल गए हैं और कुछ जैसे गांव में नेचुरल ही कलर प्रकृति के कलर से या नेचुरल कलर से काम करते तो करते थे लेकिन आज नेचुरल कलर से काम नहीं कर रहे हैं बाज़ार से काम कर रहे हैं तो कुछ हमारी संस्कृति तो पीछे छूट रहे हैं जैसे हमारे नेचुरल कलर हमारे वातावरण सारी चीज़ ये हैं तो कुछ तो बदलाव तो हो ही रहे हैं और पर ये बिकना शुरू हुआ है पहले से ज़्यादा क्योंकि इसको इतना सारा पब्लिसिटी मिला है अप्रिसिएशन मिला है तो उस तरह से आप लोगों के लिए एज आर्टिस्ट क्या फ़र्क आया है अंतर आया है आपकी आर्ट में और जीवन स्तर में भी आ, ये कागज़ और केनवास में आने से बहुत कुछ अंतर आए हैं क्योंकि आ, इसमें जो है एक कहानी के विस्तार को हम बढ़ा लेते हैं और कहानी के विस्तार बनाते हैं तो एक छोटा सा चित्र नहीं बन के पूरी एक संस्कृति को उसमें दिखा देते हैं एक छोटे चित्र में तो लोगों को वो एक ही चित्र में सारी संस्कृति को देखते हैं तो लोगों को पसंद आता है और फिर खरीदते हैं और, और भी कुछ आ, सीखने को मिलता है कि पेंटिंग बिक रहा है या लोग बाग इस तरीके की चीज़ों का मांग कर रहे हैं तो इस चीज़ में हम और भी अच्छा से सोचें और काम करें तो फिर क्या क्या अंतर आपने अपने आर्ट में लाए हैं कि ताकि ये आगे जाए बिके भी और सुंदर भी लगे और क्रिएटिव भी रहे तो आप किस किस तरह से चेंज किया है आपने अपने आर्ट को पहले से लेके अब तक मेरे चित्र में इतना ज़्यादा अभी तक मैं बदलाव तो नहीं किया हूँ जी आ, लेकिन ये ये ज़रूर है कि कहानी पर ज़्यादा बनाता हूँ पहले आ, तो मैं प्रकृति के ऊपर बनाते थे जैसे जानवर को देख रहे हैं जैसे पक्षी उड़ रहे हैं जैसे वो हैं ये बनाते ही हैं लेकिन अभी कहानियों में ज़्यादा हो रहा है जैसे मेरे को प्रथम जो चित्र बनाना था तो मेरे को जनगर सिंह श्याम ने बोला था कि मेरे साथ में रहते हुए काफी दिन हो गए मेरे साथ में भी काम कर रहे हैं लेकिन अब तुम कुछ करो अपना अच्छा आप काफ़ी साल से आ, उनके साथ थे हाँ मैं काफ़ी साल से हमारी बचपन ही काफ़ी उनके साथ में गुजरा अच्छा उनके परिवार और हमारे परिवार बिल्कुल सेम था मतलब हमारे गांव में जो एक गंगा जल सखी सहेली जो होते हैं ना ऐसे हमारे माता पिता उनके माता पिता के साथ दोस्ती थे तो काफ़ी हम गरीब परिवार के लोग हैं हम उनके साथ में क्या क्या किया है उस चीज को तो मैं क्या बताऊँ हाँ तो काफ़ी हम उसके साथ बिल्कुल नज़दीक थे गांव में रहते थे तो साथ में चित्र बनाते थे साथ में जंगल जाते थे तो उस समय जो कुछ भी है जैसे दादरा गीत हैं या गम्मत हैं कुछ भी ऐसे हैं थोड़ा बताइए किस तरह के गीत हैं ये ये सावन के महीना में जो खजलियाँ बोते हैं उसमें सातः शुक्ला क्या है हमारी आदिवासी में जो त्यौहार होते हैं जी वो हरियाली हरियाली जो होता है जो वहाँ से चालू होते हैं फिर वहाँ से आखिरी फागुन तक त्यौहार चलते रहते हैं पूरे सीजन के पूरी सीजन तो, तो पहले हरियाली होता है हरियाली के पाँचवें दिन में नांग पंचमी होते हैं सातवें दिन में सात शुक्ला सात शुक्ला के दिन जो कजलिया बोलते हैं तो वो सात दिन के लिए रहता है और फिर रक्षाबंधन अच्छा के लिए उसके विसर्जन होते हैं तो ऐसे हमारे आदिवासियों में इन त्यौहारों का परम्परा चलता ही रहता है तो हिंद जैसे ऐसे चीज़ों में अपन साथ में बैठते थे और एक रामलीला होते थे तो जनघट सिंह श्याम राम बनता था तो मैं सीता बनते थे आ, तो इस तरीका के रिलेशन थे हमारे काफ़ी अच्छा थे उनके साथ में और मेरे को आ, उसने उनने बहुत पसंद भी किया जब जंगल सिंह श्याम जब भारत भवन आ गए तो मुझे अपने घर का काम कुछ सौंप के आए थे जैसे मिट्टी मिट्टी खोदना मिट्टी उनके खेतों में मिट्टी खोदना यार ये सब कुछ काम करना तो उनके घर में ही काम करता था मैं और यहाँ से पैसा भेज देते थे और काफ़ी दिन जब हो गए तो वो जब गाँव गया तो पूछा कि घर में कैसे काम चल रहे हैं ये लड़का कर रहा है काम नहीं कर रहा है करके तो घर वाले बोले कि सही काम कर रहे हैं लड़के अच्छे हैं और काम करता है, रहता है उनने मेरे ऊपर खुश हो के अपने बहन के लड़की से शादी कर ली उसने खुद ही किया हम क्योंकि गरीब परिवार के हैं इतना तो साधन तो नहीं हमारे पास उनने खुद किया और कुछ दिन रहने के बाद जो है तो वो अपने साथ ले आया भारत भवन भारत भवन जी भारत भवन में अपने साथ में कुछ स्क्रीन पेंटिंग के काम सिखाया और साथ में उनके साथ में रात में जो है तो उनके पेंटिंग बनाने के काम में हाथ बढ़ाते थे और मैं फास्ट डिपार्टमेंट में फेंसिंग और फिर ये पौधा लगाने के काम करते थे तो वो भी काम कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था तो दो दिन करो तो तीन दिन बैठो या एक दिन करो एक दिन बैठो ऐसे था तो उनने कहा कि यहाँ तो काम मिलता नहीं है तो चलो साथ ही में वहाँ कुछ काम करा देंगे लगा देंगे मजदूरी ऐसे करके तो वो भोपाल ही ले आया मेरे को जी। तो भोपाल में अभी तक अभी तक वो तो चला गया लेकिन उन्हीं के आशीर्वाद है जो अभी बहुत सारे कलाकार जो हैं शुरुआत काम किए हैं और अच्छे काम कर रहे हैं और देश विदेशों में भी नाम कमा रहे हैं कृपा दृष्टि उसी का है जो पहले काम किया और सबको आशीर्वाद दिया और उनमें से कहा जाए तो सबसे ज़्यादा आशीर्वाद मुझे मिला जी। कि जब मैं उनका काम करते रहे सारी चीज़ करते रहे तो उनने मुझे चुपचाप बोला कि बताया नहीं कुछ नहीं बोला कि एक काम आपको करना है जैसा भी हो करो ज़्यादा समय नहीं है करके तो मैं अच्छा काम करना बोलेगा ये भी नहीं बताया कि वो मेरे को कहीं भेजना है जी ऐसे करके कुछ नहीं बताया बस काम करो तो मैंने शेषनाग धरती माता पर काम किया ये आदिवासियों का कहानी है और मानता देवी देता है तो मैं शेषनाग धरती माता पे काम किया तो एक काम वो भी किया अपना तो मेरे से काम मांगा और फिर दोनों को पेक कर दिया ऐसे और जोड़ दिया जोड़ दिया पेक कर दिया और भेज दिया मेरे को मालूम नहीं कहाँ भेजा वो तो यहाँ आए थे दिल्ली ललित कला अच्छा एग्जीबिशन में तो जब एग्जीबिशन लगा तो 98 का बात है जब तो नेशनल अवार्ड के लिए था वो पेंटिंग मुझे बताए नहीं थे अच्छा तो नेशनल अवार्ड उसको नहीं लग के मेरे को लग गया अरे वाह तो उनने आशीर्वाद दिया कि बेटा इस चीज़ को ढूंढने के लिए मुझे अभी तक उस समय 98 की बात है उसको 17 साल हो गए थे शायद उस एग्जीबिशन के दे, लेकिन दे, देने, देने अवार्ड नहीं लगा था और मेरे को प्रथम ही अवार्ड लग गया अच्छा। तो बोला इस चीज़ को पाने के लिए मैं सत्रह साल तक मेहनत कर किया लेकिन आज तक मिला नहीं है तुमने एक ही साल में प्राप्त किया उनने पीठ भी ठोका आशीर्वाद भी दिया और कहा कि इस चीज़ को और अच्छे से विस्तार करके काम करो जी। बस ऐसा ही है उसी के लेके आप चले तब ही से जी जी वो जो आपको पहला अवार्ड मिला और अब तक तो आप काम ही आगे बढ़ा रहे हैं जी, जी काम जी। तो और भी कुछ काम करते हैं कि नहीं आप सिर्फ पेंटिंग ही करते हैं मैं आ, पेंटिंग ही नहीं करता हूँ मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में, में मेरे नौकरी भी है अच्छा मैं वहीं करता हूँ और नौकरी भी उन्हीं की देन है पहले मेरे को पेड़ पौधा लगाने के लिए काम में लगवाए थे वहाँ पर वो ये काम है 92 अभी भी मुझे याद है कि सितंबर 92 में मेरे को लगाए थे तो काफ़ी लोगों को लगाए थे लेकिन किसी को मजदूरी पसंद नहीं आया किसी को कैसा है तो कोई छोड़ के घर चला गया कोई ऐसा है पर मैं नहीं छोड़ा जी। तो अभी नहीं छोड़ा तो वैसा परमानेंट वो तो नहीं है पर मैं ये वो परमानेंट के तौर पर हूँ मैं वहाँ और ये स्पेसी मैन स्टोर में अभी काम कर रहा हूँ मैं तो इस स्पेसी मैन स्टोर में काम करने से मुझे इतना आ, अच्छा लगता है कि वहाँ हमारे यहाँ कम से कम नहीं तीस चालीस हजार कलेक्शन हैं पुराना जमानों के अच्छा तो उन चीज़ों को हम निकालते हैं पैठालते हैं जैसे एग्जिबिशन लगाने के लिए बाहर गए तो उसको हम इशू करते हैं फिर रिसीव करते हैं और हमको ऐसे लगता है कि मैं घर में बैठा हूँ हमारी तरफ क्योंकि हमारे चीज़ें ही हमारे उसमें आके रहते हैं उनमें हमको नंबर लिखना पड़ता है एक्सेसन नंबर देना पड़ता है सारी चीज़ उसके बारे में हम वो डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है तो सारी चीज़ हमको घर बैठे ही वैसे पता चल जाता है वहाँ की तो अभी तक मैं मानव संग्रहालय में नौकरी करता हूँ और फिर ये काम को मैं को शाम को या पार्ट टाइम पार्ट टाइम तो आपकी जिंदगी भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण पल रहा होगा जब आपने उस पेंटिंग के लिए आपको नेशनल अवार्ड मिला जी तो थोड़ा उस पेंटिंग के बारे में हमें बताइए कि क्या सब्जेक्ट था किस तरह से आपने बनाई और क्या उसका फिर आखिर में रूप निकला आ, रूप क्या उससे मेरे को इतना प्रस्थान मिला कि मैं नए नए कहानियों का खोज करने लगा और उसमें क्या हाँ, कहानी हाँ, थी उसमें उस उसमें शेषनांग धरती माता था जैसे कि सृष्टि को लेकर शेषनांग जो है अपने सिर में धारण करके रखा है उसी के बारे में वो उस चित्र को बनाया हूँ और शेष सेश, शेषनांग जो है अपने संतानों को भी जन्म देता है और अपने संतान को जन्म देने के बाद किस किस प्रकार से पालन पोषण भी कर रहे हैं और सृष्टि को धारण करके भी भजन सह रहे हैं और अपने सारी चीज़ों को कितना मुश्किल से अपन पालन पोषण कर रहे उसको दिखाए थे उसमें और अभी जो मैं चित्र बनाता हूँ तो धरती के उत्पत्ति के बारे में ज़्यादा बनाता हूँ और राजाओं की उत्पत्ति के बारे में बनाता हूँ भगवान को इस पृथ्वी लोक से लुप्त होना इन चीज़ों बनाता हूँ भगवान से पृथ्वी लोक से लुप्त होना में मुझे 98 में ही जापान से वार्ड लगे थे ये तो ऐसे लगता है कि नागपुर साउ सेंटर ने मेरे को नाइन्टी नाइन में या दो हज़ार दो में जो ट्राइबल में अवार्ड दिया था तो सभी देवी देवताओं और फिर कहानी में जो पेंटिंग जाते हैं तो उन्हीं में अवार्ड लगता है लगता है मुझे अच्छा। मुझे कि तो जब अवार्ड अगर इन्हीं में लगता है तो फिर दूसरी चीज़ बनाने से क्या है जबकि हमारी संस्कृति में ही सब कुछ समाए हुए हैं तो ज़्यादा दूसरी चीज बनाने जैसे मैं कालिदास के लिए बनाए थे तो कालिदास वो कालिदास अवार्ड लग गए कई साल में बोले कि तो यार ये तो कभी मारो ना उपरांत लगता है या फिर बहुत तो, ज़्यादा उम्र के लोगों को देते हैं लेकिन तुमको बचपन ही में कैसे मिल गए वहाँ वहाँ पत्रकार लोग ने उसको थोड़ा सा लिखने में भी गलत कर दिए वो वो उसका सब्जेक्ट था राजा विक्रम उर्वशी के ऊपर अच्छा। कालिदास बुक जो है हाँ जी। राजा विक्रम उर्वशी तो उसके ऊपर मैंने बनाया तो वो पेंटिंग में, में मेरे को अवार्ड लग गए और पत्रकार जो है वो लिखना जब पेपर में छापना था तो राम सिंह उर्वर्षी लिख दिया उर्वेदी के जगह में तो वहाँ फिर जो पढ़ा पेपर में तो ये उनने बोला कि ये कालिदास के परिवार कौन है जिसको अवार्ड लगा है उसको हमारे सामने किया तो उनको अदालत जाना पड़ा कालिदास आदमी वालों को कि गलत से ये उर्वरषी लिखा गया है वो राम सिंह नहीं है विक्रम उर्वर्शी, उर्वर्शी जी, जी. एक कन्या जी. रानी है उसके ऊपर बनाए थे तो वो राम सिंह उर्वरषी लिख दिए थे तो ऐसे हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो तो ये कहानी आप पहले जो आपकी ये पुरानी कहानियां हैं जो चलती हैं सारी जी तो ये आप उस पेपर पे पहले स्केच करते हैं डिवाइड करते हैं पेपर को डिफरेंट पार्ट्स में नहीं फिर नहीं, बनाते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है हाँ। ज़्यादातर हम वो कहानी को सोचते हैं वो, वो कैनवास हो या कागज हो उसमें देखते हैं कि कहाँ क्या चीज़ आना है अच्छा हम अपन ये सोच रहता है कि एक कहानी को हम एक ही चीज़ में अगर दिखा दें तो जो खरीदेगा उसको भी ठीक रहेगा और हम बनाएं तो हमको भी ठीक लगे तो था ताकि आदमी अधूरा कहानी नहीं खरीद सकते ठीक है इसलिए एक ही चीज में सारी चीज को विस्तार करने का ज्यादा सोच रहता है तो उसको पहले स्केच नहीं करते, नहीं करते है। आप सीधा जी कहानी शुरू करते हैं जी है। और कोई ऐसी कहानी जो आपके दिल के बहुत करीब हो और जो आप बार बार बनाते भी हैं और जो बहुत पसंद आती है कोई ऐसी कहानी आपके गोडाक में जो आप बनाते हैं बहुत ऐसा मेरा वो नहीं है अभी मेरा एक बुक बुक जो निकला है ये आयशोद पिकाक करके तो वो 1660 सौ सेंचुरी का एक बुक कविता है अच्छा। विदेश का है वो अच्छा। तो वो बारह लाइन में है तो वो बारह लाइन की जो कविता था उसको मेरे को दिए कि इसमें काम करो करके तो मेरे को काम करने में छः महीना लग गए थे उसमें किस बारे में थी कविता वो वो था पेंटिंग के बारे में वहाँ के आर्टिस्ट बनाए थे अमेरिका के अच्छा लेकिन उसका पब्लिसिटी हो नहीं पाए वो आदमी ख़त्म हो गए लेकिन वो पेंटिंग बनाते थे कविता लिखते थे लेकिन किसी को दिखा नहीं पाया वो लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए तो उनने कहा कि इस पेंटिंग को आप बना सकते हो तो बारह लाइन की कविता था तो उसको ऐसे पढ़ रहे थे आ, ऐसे सोच रहे थे कि ऐसे लग रहे थे कि मेरे को बहुत सारी कहानी हमारी याद आ गए अच्छा वो कविता पढ़ के कविता पढ़ के हमारे याद आ गए कि ये बारह लाइन की कविता है इस प्रकार की इसमें बता रहे हैं लेकिन मैं बारह हमारे यहाँ भी हमारे आदिवासी में बारह महीना होते हैं और बारह महीना में सारी चीज़ अलग अलग समय होते हैं अलग अलग चीज़ तो इसको मैं क्यों ना मनुष्य और जीवन दूसरे जीव जैसे जंगल में चलने वाले जीव हैं जंगल में विचलन करने वाले विभिन्न प्रकार के जीवन हैं और एक साधारण आदमी जो बोलता पुरुष है नहीं बोलता पुरुष आदमी या जीव हैं उनके बारे में अंतर मैं निकाला अच्छा अंतर निकाला कि इस माह में इस महीने में इस प्रकार के सर्दी होता है या बारिश होता है या गर्मी होता है जैसे होता है इसमें आदमी किस प्रकार के अपना सेवन करता है बचाव करता है या रहन सहन करता है तो एक गरीब गरीब परिवार जैसे मैं गरीब हूँ मैं अपने आप को सोचता हूँ कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है हम इस प्रकार के अपना उस उस समय को इस तरीके से गुजारते हैं लेकिन बड़ा आदमी उसको दूसरे तरीक़े से गुजारते हैं उनके पास हर चीज़ का साधन होता है लेकिन जो नहीं बोलता जीवन है जो वन में विचलन करने वाली वो किस प्रकार का गुजारता होगा तो मैं इन चीजों को तीनों को एक में विभाजित किया तो बहुत कितना मजा आता है इन चीजों को बनाने में सोचने में और कितना सोच जाता हाँ, हाँ, है इसके अंदर और अम, कोई सेट तो होता हाँ, नहीं ऐसे बनेगा जी, जी, आप जी, उसी टाइम कुछ काफी कुछ निकलता होगा और आप गाते भी हैं अपनी कुछ कहानियाँ कुछ सुनाएंगे हमें नहीं गाते तो नहीं हूँ गीत में जरूर पेंटिंग बनाया हूँ मैं तो कुछ सुनाइए और थोड़ा तो सा बताइए वो है। पेंटिंग है अमेरिका में है तो मेरे अमेरिका वाले जो हैं पाँच छः साल तक मेरा इंटर बी लिए थे एक बुक बनाने के लिए जी। तो मैंने गांव के एक कर्मा गीत था उसको मैं आ, मेरे गाते थे उनको ऐसे कभी भी बैठते तो मेरे बहने ही गाते थे तो मैंने जब गीत तो ऐसे ही सरल है लेकिन उनका वचन जो है कैसा है तो मैं सोचता था एक पेंटिंग के हिसाब से सोचता था ये तो गीत तो गाते हैं लेकिन ये हकीकत कैसे होगा अच्छा हुँ? हुँ। जैसे उनने स्टार्ट किया कर्मा गीत है धन रे उस्ताज लड़ैया तबला में हाथ फेरे बंदर वजाये रे मजीरा ये कर्मा है उनका गीत है अच्छा। वो एक गाता है फिर दूसरे उसको रिपीट करता है ऐसे हैं तो सोचता हूँ उस्ताज लड़ैया लड़ैया मीन्स होता है जो हमारे इधर जो, जो बाहर रहते हैं जमीनों में ना जो जानवर जिसे अच्छा। फॉक्स बोलते हैं जो ज़मीन के अंदर अच्छा उसको बोलते हैं तो उसको लड़ैया बोलते हैं उस्ताज लड़ैया तबला में हाथ फेरे बंदर बजाए मजीरा तो बंदर तो बंदर ही है लेकिन आदमी मजीरा झांझ बजाता है लेकिन बंदर बजाए मजीरा इनके शब्द कैसा है ये चीज क्या है तो वो गाना फिर उसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि लावा तीतर नांगर फादे खरखरी बोए धान नहीं समझ क्या मतलब लावा तीतर नांगर फादे खरखरी बोए धान माटी के मादर बैला चराय भालू है चेक ऐसे करके जब वो गीत गाए तो मैं इस गीत को बिल्कुल अपने दिल में रमा लिया अच्छा। कि ये तो हमारे आदिवासी गीत है इसको तो हमेशा सुनता रहता हूँ लेकिन इसको कैसे करना चाहिए जब मैंने लावती तर समझते हैं पक्षी होता है अच्छा और घाघर वो छोटा सा नेवला जैसे जानवर होता है वो होता है हाँ, हाँ। फिर मैं सोचा कि भालू है चेकान तो इन चीजों को मैं सारी चीज जानवरों को एक आदमी के रूप में तुलना किया अच्छा क्योंकि लावा तीतर नांगर फांदे खरखरी बोए है धान सब चीज़ वो आदमी तो बोल रहा है आदमी के काम को बोल रहा है लेकिन ये बोल रहे हैं दूसरे जीव के बारे में गाना गा रहे हैं पूरी अधूरा जिस चीज़ को हमको करना चाहिए उसी चीज़ को वो गा सकते हैं कि दोनों भाई बहन नांगर फांदे या कुछ बैलों को फांदे या कुछ भी गा रहे हैं कि वो मामा फूआ धान बोएँ या कैसे भी करें ये चीज़ हो सकता है अच्छा। लेकिन गाना ऐसा है कि वो लामा तीतर नागर फाँदे खरखरी वो धान माटी के मांदर बैला चराए भालू हैं से कान तो बिल्कुल डिस्ट्रेंट डोरी जानवरों की गाना तो उसमें मैं चित्र बनाया तो उनको पसंद आया तो उनने मेरा फिर हमारे यहाँ के दूरदर्शन वालों को उनने परमिशन लिया कि इस चित्र को हमने लिया है हम राम सिंह गुरवेत्ति का इस गीत को टेप करना चाहते हैं टेप अच्छा। करवा के फिर ले गए तो बहुत अच्छा आपने ही गाया करते हुए तो थोड़ा थोड़ा सुनाइए ना नहीं तो यही है बस अच्छा तो आ... आ... और इसके साथ ही आपने पेंटिंग भी बनाया जी 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 अच्छा तो दोनों को जी जी। जोड़ा एक साथ और ये जो किताब आप जिस बारे में कह रहे थे ये आपके काम के ऊपर है जो ट्वेल्व पी कोक आपके काम के बारे में ओके ओके तो वर्कशॉप पे आपने क्या बनाया जो यहाँ की पंजाब ललित कला एकेडमी की वर्कशॉप थी यहाँ धरती की उत्पत्ति के बारे में बनाया हूँ मैं क्योंकि धरती धरती की उत्पत्ति के बारे में एक चित्र बनाया हूँ जो मैं मेरे पास स्वयं है तो वो काला सफ़ेद में है ब्लैक एंड वाइट है तो ब्लैक एंड वाइट में लोग बाग तो बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं कि देखने में बहुत अच्छा है लेकिन उसको कलरों में दिखाने का मेरे को बड़ा शौक़ थे अच्छा। क्योंकि स्टोरी जब होता है कि धरती की उत्पत्ति कैसे हुआ तो युग परिवर्तन होता है युग का जब परिवर्तन हो होता है भगवान देवता लोग जो हैं सारी कलछप हो जाते हैं जैसे अभी कलछप हैं अभी युग बदला नहीं है युग चल रहे हैं इसलिए देव का कलछप हैं तो काफ़ी दिन गुजरने के बाद जो है तो देव देवता लोग जो हैं बड़ा देव हमारे गुरु बड़ा देव शंकर जी को मानते हैं बड़ा देव को बोला काफ़ी दिन हम लुप्त हुए हो गए हैं यहाँ हमको कुछ प्रकट करिए ऐसे करके तो शंकर जी सोचा कि इनको प्रकट तो मैं कर दूंगा, लेकिन यहाँ सृष्टि तो है ही नहीं है पूरी संसार सागर जल में ही है okay. जल ही जल है हाँ जी। तो उसके बारे में बनाया हूँ चित्र यहाँ ललित कला एक आदमी के लिए अच्छा। तो भगवान भगवान सोचा अपने मन की मैल से एक काग पक्षी का काग पक्षी बनाया काक पक्षी बनाने के बाद वो उसको उड़ाया बोला कि इस दुनिया में घूम के देखो मिट्टी कहाँ है अच्छा आ, क्योंकि सब पानी आ, है हर पूरी पानी है तो मिट्टी कहाँ है तो पक्षी पक्षी का रंग सफेद था अच्छा पक्षी का रंग सफेद था और यहाँ मैं जो चित्र बनाया था मेरे पास जो बना हुआ है वो काला है अच्छा। उसके इसलिए मैं इसको यहाँ रंग में बनाने का कोशिश किया अच्छा तो वो पक्षी सारी दुनिया को ढूंढ गए लेकिन जल कहीं वो मिट्टी कहीं मिला नहीं पूरी जल ही जल था शेषनाग जी ऐसे जल में रख के शेषनाग जी ऐसे वो सांस ले रहे थे तो वो थकान दूर करने के लिए थक गए थे अच्छा कहीं बैठने की जगह नहीं थे थक गए थे तो उसमें बैठ गए तो शेषनाग सोचता है कि इस दुनिया में तो जीव जंतु है ही नहीं है कौन सा जीवन है ऐसे करके ऐसे सांस निकाला तो उसके जहर से जो है कौआ हो गए वो वो पक्षी पक्षी अच्छा अच्छा <laughs> अच्छा काला काला <laughs> काला हो 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 गया गया सफेद था ओके फिर उड़ गया वो। हाँ। तो उड़ गया कहीं भी कुछ जगह ही नहीं उसको बैठने के लिए तो भगवान शंकर जी ही के पास जाना था उसको अब कहीं जगह तो है ही नहीं है उसको विश्राम करने के लिए रुकने के लिए तो जाते समय केकड़ा जो है वो भी ऐसे करके दो डाढ़ को रखे थे तो उसके ऊपर जाके फिर वो अपना थकान दूर करने के लिए बैठे पक्षी पक्षी तो ककड़ा बोलता है कि वो इस दिन मैं जानता हूँ कि मेरे को कितने दिन यहाँ गुजर गए हैं यहाँ कोई भी जीवन नहीं है तुम कौन सी जीवन हो जो मेरे इसमें बैठे हो बताओ नहीं इस डांट से मैं चबा देता हूँ आपको ऐसे बोला तो वो काग पक्षी बोला उसको कि भगवान शंकर ने मुझे भेजा है अच्छा धरती के पता लगाने के लिए अगर आपको कहीं खबर हो तो उसके बताइए तो ककड़ा बोला फिर धरती तो यहाँ है ही नहीं है धरती तो पत्तालप में है नल नलराजा नल रानी के पास किचवा जानते हैं आप किचवा जो सावन के महीने में निकलते हैं मिट्टी मिट्टी से हा, हा, हा। मिट्टी से निकलते हैं हैं जी हा, जी हा, उसी हा, जी उसी को हम नल नल राजा नाल रानी बोलते हैं। अच्छा तो उनका खाना पीना हर एक चीज रहना बसना मिट्टी है तो वो अपने अगोश में करके रखे थे क्योंकि उनका सारी चीज निस्तार ही वही था तो वो कौआ को लेके फिर वो कैकड़ा जो है पत्ताल के लिए ही गया तो वहाँ जाके उनके बोला कि आप मिट्टी दे दीजिए भगवान शंकर ने सृष्टि की रचना करना चाहते हैं तो उन्होंने बोला कि खाना पीना सारी चीज़ें ये हमारी यही है अगर इसको दे देंगे तो हम क्या खाएंगे क्या पीएंगे कहाँ रहेंगे ऐसे करके जो है पूरी मिट्टी को खाने लगे थे अच्छा। दोनों तो उसने ऐसे करके फिर दोनों के मुँह पकड़ लिया पकड़ा और वहाँ से जो मिट्टी निकाली वो बचा के उसके तीन गोला बनाए जी तीन गोला बना के एक मुंह में रखाया दो पैरों में जी, उसने जी। तो फिर भगवान शंकर जी ने भगवान शंकर जी को ले जाके तो मिट्टी को पूरी ऐसे माथा हो पूरी महीन किया और जल में रहने वाले पुराइन पान जानते हैं पुराइन पान कहते हैं हम पत्ता को एक पुराइन पान होता है अच्छा उसको बिछा के और सृष्टि का रचना करना चाह रहे थे वो तो ऐसे करके जल में वो पत्ता को बिछाया कि जल में बास करने वाले जल देवी जो है व्याकुल हो गए अंधेला हो गए गुस्सा लग गई सिर में जब वजन रखे उसके अच्छा ऐसे करके अंधेला छा गए तो उसने तुरंत सुत यहाँ पेंटिंग मेरे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे सरलता से है वो बिल्कुल जी। तो उसने तुरंत अपने भेष बदल दी ने, आ, ने जी। वो कीड़ा के की रूप धारण कर लिया अच्छा। कीड़ा के की रूप धारण करके ऐसे काटने काटने उसको अच्छा। लगे तो धरती वो डगमगा बन नहीं रहे बन ही नहीं रहे तो शंकर जी गुस्सा हो गए कि मैं जीवन के पालन पोषण के लिए इसका रचना करना चाहता हूँ लेकिन इसमें कौन विधन कर रहे हो तुरंत प्रकट हो ऐसे करके तो जलदेवी प्रकट हो गए भगवान शंकर जी के तो फिर दोनों मिलके मैं इस तरीक़े से काम करना चाहता हूँ इसमें सहायता करो करके तो फिर जल्दी भी और फिर उनका जो है ना तब तो पुराइन पान के ऊपर में फिर वो भगवान जो है धरती को ऐसे चिपकाया जल के ऊपर तो जल जो है ऐसे होने लगे स्थिर हिल हिल रहे थे स्थाई हो नहीं रहे थे तो फिर उसी मिट्टी से नागा बैगन नागा बैगन जिसे अभी भी कहते हैं कि गोंड आदिवासी प्रकृतिक पुत्र हैं हमारी जाति का होता है बैगा जाति है हमारी ही उसमें है जो अभी भी जंगलों में है अच्छा जो अभी हाँ, भी रहते हाँ, हैं जंगल हाँ, में हाँ जी हाँ जी तो नागा बैगे नागा बैगे बनाए तो उन जो है अपने गुरु मंत्र से अपने गुरु मंत्र से कुंवारी लोहा जानते हैं अपने ही जानते होंगे कुंवारी लोहा मैरिज आयरन और आयरन होता है दो प्रकार के तो कुंवारी लोहा की उन्हें चार चार कील बनाए अच्छा चार कील बनाया और चारों कील में अपना जादू जो भी मंत्र है उसको किया चारो में ऐसे करके उसको बांधा अच्छा बांधा तो ये इस सृष्टि का ऊपर आ गया हाँ तब उत्पत्ति हुआ उत्पत्ति होने के बाद थोड़ा बहुत जो मिट्टी बचे थे उसको उसने ऐसे फेंका कुछ को ऐसे किया कुछ आदमी बनाया कुछ ये बनाया ऐसे करके जो है संसार का रचना किया जब संसार की रचना हो गए तो इन्हीं से तो राज परम्परा चलेगा नहीं ऐसे करके जो है तो अपने अंग से जो है पांच गौण राजाओं की जन्म किया है अच्छा उनके ऊपर ज़्यादा चित्र बनाता हूँ के के जी जी तो उन जी, राजाओं पे फिर आप हाँ, चित्र तो ये आपने यहाँ क्रिएट किया जी हाँ तो बहुत ही काफी लंबा और खूबसूरत काम जी, जी तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी थैंक यू आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आप ऐसे ही काम करते रहिए जी जी थैंक यू थैंक यू